हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ईना मीना डीका जो हैं बिग बॉस के घर में, उन तीनों के बीच में फाइट हो गया है। तो किस बात पे हुई है फाइट और कैसे हुई है फाइट, चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो हुआ यूँ कि बिग बॉस के घर में ईसा किसी बात से अपसेट है, पता नहीं किस बात से अपसेट है। उसको देख के लग रहा है कि कंटेंट के लिए अपसेट है ऑफकोर्स, क्योंकि वीकेंड के बार पे ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया ना उसको। तो उसको लग रहा है कि मैं लगता है दिख नहीं रही हूँ, इसलिए मेरे बारे में बात नहीं हुई वीकेंड के बार पे, इसलिए कंटेंट के चक्कर में सोची होगी कुछ ऐसे ही मुंह फुला के या फिर फेक फाइट करके ही कुछ दिखने की कोशिश कर रही है वो। तो वो किसी बात से अपसेट है। और जो एलिस है, जो डीका इना मीना डीका है, तो वो ईसा इना है और वो एलिस डीका है। और ये वो है इना मीना हाँ, ये तीनों है। तो वो अपसेट है और वो गई पूछने कि क्या हुआ बहन, क्या हुआ तुझे। तो वो बोली, तो खुद ही समझ जाना क्या हुआ है। अबे कैसे समझ जाए यार, खुद ही बताओगे नहीं तो कैसे समझेगी वो लड़की। क्या तुम बचपन से एक दूसरे के साथ रही हो क्या कि तुम्हारे चेहरे देख के समझ जाए वो कि क्या हुआ है तुझे। बताना तो पड़ेगा ना कि क्या हुआ है। तो वही वो पूछ रही है कि क्या हुआ है बहन, बताना। तो बोल रही कि समझ जा, अब 15 दिन पहले दोस्ती हुई है, तुम लोग आए हो, दोस्ती हुई है, तो कैसे समझ जाए वो। तो इसी बात को लेके ईसा को बुरा लग रहा है कि मेरी दोस्त है मेरी बात नहीं समझ रही है। जबकि ईसा जो है, वो जो एलिस है, वो बार बार पूछ रही है जाके कि क्या हुआ है बहन, क्यों अपसेट है। तो इसी बात पे वो नाराज हो गई कि तुम मुझसे ऐसी बात मत कर, इतना जोर से बात मत कर, ये मत कर, वो मत कर। भाई कहाँ जोर से बात कर रही है, वो तो खुद ही कंबल में बैठ के धीरे धीरे बोल रही है, मुश्किल से तो हमें सुनाई दे रहा है और तुम बोल रही हो कि जोर से बात मत कर। और इसे को तो कैसे लगता है ना कि वो है, मतलब उसको फूल फेंक के कोई मारेगा ना तो वो बेहोश हो जाएगी। इस टाइप की तो छुई मुई पता नहीं क्यों बनने की कोशिश करती है, मेरे को तो समझ नहीं आता। अच्छी वाली तो है, मतलब कि उतनी ज्यादा पतली भी नहीं है, बॉडी में ताकत तो है ही उसके, इतना कितना ऐसे मत कर वैसे मत कर, एक फूल बनने की कोशिश क्यों करती है मुझे समझ नहीं आता। और इन तीनों के बीच में जो हमारे भाई साहब हैं अविनाश, वो फंस गए हैं, क्योंकि दोनों उनकी दोस्त हैं। अब किसको सपोर्ट करें किसको ना सपोर्ट करें वो भी उनको समझ नहीं आ रहा है। हालांकि ईसा के लिए उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन एलिस के लिए नहीं है। तो हमने देखा कि वो गए बात करने के लिए एलिस से, तो एलिस ने कुछ कहा, तो कुछ बताया कि क्या कहा, तो वो बोल रही थी मुझे नहीं बात करना, मुझे पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्कर में। और वो वहाँ से ईसा के पास से उठ के चले गए और जाके एलिस के पास से उठ के चले गए और ईसा के पास गए। तो अब ईसा को तो जाके वो तो मनाएंगे ही, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा फीलिंग है अंदर अविनाश के अंदर ईसा को लेके, हमें देखने को भी मिलता है। तो जाके मना रहे हैं तो ये मैडम जी रोने लगी। अब पता नहीं मेरे को ये समझ नहीं आता, ये हर बात में रोने क्यों लग जाती है, तुम्हारी दोस्त है, इतना कुछ तो हुआ भी नहीं है कि तुम रो रही हो। तो रोने लगी जाके, अभी ये जाके मना रहे हैं क्या हुआ। तो और बिना बात के गंगा जमुना बहा रही है बिना बात के, ऐसे लग रहा है किसी ने कितना ही डांटा है उसको, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईसा एलिस आराम से ही बोल रही थी ईसा को, बट ये मुझे लगता है कंटेंट के चक्कर में पूरा ये रोने लगी। और मुझे बात जब फिर इस एलिस जो है वो उठ के आई, बोली कि क्या हुआ ईसा, तो मुझे नहीं बात करना, ऐसे मुंह ऐसे घुमा लिया पीछे। तो देख के काफी हंसी भी आया कि क्या ड्रामा है। और बिग बॉस यही ड्रामा हमें दिखा दिखा के पकाते रहते हैं, एपिसोड में भी ना 20-30 मिनट इन्हीं का ही दिखा देते हैं, पता नहीं क्यों ही दिखाते हैं, क्या करते रहते हैं ये तीनों, इन्हें छोटी छोटी बात पे लड़ाई, रोना धोना, कुछ ना होने वाला इनका, बस बिग बॉस वही दिखाते रहते, नेल पॉलिश लगाते हुए, आईब्रोज बनाते हुए, चुगलियां करते हुए, बस यही दिखाते हैं। वैसे तो सामने से तो वो कुछ उनके अंदर उतना गट्स है नहीं कि किसी के सामने जाके बोले। अगर तुम्हें कंटेंट इतना ही चाहिए तो जाके, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तुम भी जाके बोलो सामने से, अपने आप ही कंटेंट मिल जाएगा। ये आपस में ही चाहिए इनको कंटेंट, एक रुसता है दूसरा मनाता है, दूसरा रुसता है तीसरा मनाता है, आपस में इनका चलता रहता है, कुछ भी नहीं है इनका गेम, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। मुझे लगता है 3 महीना इनका ऐसे ही निकलने वाला है, रूठने और मनाने में ही। मुझे तो बिल्कुल इनका गेम पसंद नहीं है, पता नहीं क्या ही है।
कैसे क्या करते हैं, बिग बॉस इन्हीं को दिखाता रहता है हमें। इस पे आपका क्या है कहना, क्या लगता है रियल का लड़ाई है, सच में इनकी दोस्ती टूटने वाली है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता नहीं टूटने वाली। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।